आलू बुखारा आ तो हम लोग बारिश में भीग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी खाने की। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होगी। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग, शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं। अभी व्लॉग मैंने एडिट कर लिया था, आपके कमेंट्स की रिप्लाई भी कर लिए थे, खाना भी तैयार हो चुका है। दाल बनाई है मैंने पीली वाली, नाम मुझे पता नहीं, वो आप देख के बता देना। और उसके बाद मैंने भुर्जी बनाई है करेले की। तो खाना तैयार हो चुका है, छत पे आ चुकी हूँ, फोन का काम का सब निपट चुका है। शाम का समय है, बच्चे सभी छत पे हैं, चिलम चाटी एकदम से कट रही है यहाँ पे बढ़िया वाली। गुड इवनिंग मैडम जी। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई एम फाइन। बुला दो भैया, कोई तो बुला दो बबल। अबे यार भी तू बेइज्जती करा दी, तू भी बेइज्जती करवा दी। अब इशू आ रही है मैदान में, चलो ले लो डंडा ही तोड़ दिया। चाची मैंने पोकी, बहुत बड़ा तीर मारा बेटा आपने, वेरी गुड। बेचारे की बेइज्जती हो गई। ऐसे बच्चे हैं ये, मुझे पौ मार के भी बताते हैं कि चाची मैंने पौ मार दी, बताओ। हम कुछ बोलना चाहते हैं कि चाची के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। और कमेंट में लिखना चाची की वीडियो कैसी है। बहुत तेज हो रहे हो, इतना चिल्ला रहे हैं ना, मेरा सिर में दर्द कर दिया उन्होंने, चिल्ला चिल्ला के। हे भाई साहब, हम ठीक कर दे, कर दे। क्या ठीक कर दोगे? सिर दर्द कर दो, ठीक है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, जीते रहो बेटा, जीते रहो, क्या बात है, मजा ही आ गया। वाह वाह, थोड़ा जोर से, थोड़ा अच्छे से, जोर शोर से थोड़ा सा। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे से। अब तो बाल और उलझा दिए तुमने मेरे। आप बाल धो भी तो सकते हो, कभी भी तो कर सकते हो, सिर दर्द तो सही हो गया ना आपका। ये कल रात से गाजियाबाद का मौसम जो है बहुत ज्यादा औसम हो रहा है। रात बिजली के कट बहुत ज्यादा लगे, बहुत बार लाइट गई है। सुबह में उठ गई थी टाइम पे, लेकिन जब सुबह उठी तो वही वाला सीन था, बारिश हो रही थी बहुत हाई लेवल की, तो फिर नहीं जा पाई आज वॉक पे मैं। और ये देखिए पीछे वाला घर बनता बनता कितना बन चुका है। अभी बच्चों का खेल कूद चल रहा है, थोड़ी देर छत में बैठते हैं, होप सो कल मौसम सही रहे और मैं वॉक करने जा पाऊँ। अंधेरा होना शुरू हो चुका है, अभी देखिए कितने काले काले बादल छा रहे हैं, ऐसे लग रहा है अभी भी जबरदस्त बारिश होने वाली है थोड़ी देर में एक बार फिर से। ये हमारे ईशान बाबू जी यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पर कुछ की एंट्री होती हुई। गुड इवनिंग जोशी जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बाबू की चीजी चाचू ने खा ली। बच्चे सभी चले गए अपने अपने घर। चलो चलो नीचे चल रहे हैं, चलो चलो। इच्छानु कहाँ खा रहे हो? अपने चाचू को बोल रहा है ये एप्पल है, एप्पल दो मुझे, मैं ये खाऊंगा। देवी मैया महाकाली सुन मेरी पुकारा, आस लगा बेरे आयू त्यारे दरबारा, आस लगा बेरे आयू माँ त्यारे दरबारा। कालिका चामुंडा माँ खोल दे किवाड़ा, आस लगा बेरे आयू त्यारे दरबारा, आस लगा बेरे आयू माँ त्यारे दरबारा। जो जला लिया, अभी मैंने पूजा पाठ कर लिया है। जोशी जी फिलहाल बाहर स्कूटी निकालने के लिए गए हुए हैं। जैसे कि मैंने ब्लॉग में आपको पहले ही बताया था कि खाना वगैरह मैंने सब तैयार कर रखा है, आटा गूंदा हुआ है, बस रोटियां बनानी है, तो मैं घर वापस आकर बनाऊंगी। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं घर से बाहर, घर का राशन पानी सामान वगैरह लेके आना है, तो हम लोग डी मार्ट जा रहे हैं। आप लोगों ने वैसे पहले भी बहुत बार ब्लॉग में देखा है कि हम राशन जो भी सामान वगैरह लेते हैं वो डी मार्ट से ही लेते हैं। तो आज जोशी जी थोड़ा टाइम पर घर वापस आ गए हैं, क्योंकि इनका जॉब का कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं पता कि कभी ये टाइम पे घर वापस आएंगे, कभी ये लेट आएंगे, कभी इनकी साइड बाहर हो जाए, कभी ये बाहर चले जाए, अचानक से सब कुछ होता है। आप इतने टाइम से ब्लॉग्स देख रहे हो, आपको सब कुछ पता ही है। तो इसलिए अभी मैं इनके साथ जा रही हूँ डी मार्ट शॉपिंग करने के लिए। चलिए आप भी हमारे साथ। लोअर और टॉप नॉर्मल यही कपड़े पहने हुए हैं मैंने, जो पहले पहने हुए थे। जोशी जी भी लोअर पहन के जा रहे हैं, टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, क्योंकि मौसम बाहर खराब है, कुछ नहीं पता, आ तो हम लोग बारिश में भीग रहे हैं, इसलिए हमने कपड़े बदलना सही नहीं समझा। जिन कपड़ों में है उन्हीं कपड़ों में जा रहे हैं। चलिए आप भी। वो
पे स्टैंड में लगाई जा रही है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, सिग्नल बहुत पड़ते हैं, तो आते आते हमें काफ़ी 8:15 के तकरीबन तो बज ही चुके हैं, और फिर डी मार्ट बंद होने का टाइम भी पता नहीं क्या है हमें, तो देखते हैं कितना टाइम है हमारे पास और कितनी शॉपिंग कर पाएंगे। 10 बजे तक पूछा आपने क्या? तो आराम कर। अच्छा 10 बजे तक अंकल जी? 8:38 पे अभी हम एंट्री करने वाले हैं यहाँ पर, देखते हैं एग्जिट। क्या पर्स अभी लॉक कर देंगे ना? पर्स पे कर देंगे तो मेरे को वहीं देना है काउंटर पे, फोन के नीचे है। हां मखाने लिए जा रहे हैं, बहुत है थोड़े रखे हुए पहले के। अपनी फेवरेट अरहर की दाल लेते हुए जैसे जी किलो वाइट चने। शॉपिंग करते करते 9:30 बज चुके हैं, अभी हमें लिफ्ट में जा रहे हैं। 9:26 ना हो गया ना मुझे अंदाजा। लिफ्ट में है फिलहाल हम। आज पहली बार है कि इसमें लेस, कुरकुरे, चिप्स, ऐसा नमकीन कुछ भी आइटम नहीं है। यहाँ पर भी प्रेस देखी जा रही है क्योंकि हमारी पुरानी वाली प्रेस हो चुकी है ख़राब, उसके पीछे के पेज सब निकल चुके हैं, अगर कुछ समझ में आएगा तो ही लिया जाएगा। बजाज वाली देखो, दिल में दस्तर खान बिछाया दाग तो इश्क है। सिस्का एलईडी का नाम भी है। पहले कैसे अच्छी थी प्रेस जो आप पहले लेके आए थे। आपका एक्सपीरियंस ज्यादा इन चीजों में, आप देखिए ले लो। पर बात ये है कि 300 का ही फर्क है और बेफालतू में बाकी 10 भी खराब जाएंगे अगर ये खराब हो गई। तो कोई भी हो सकती है, बजाज चाहे ले लो, फिर वही ले लो। यहाँ पर देखे जा रहे हैं अभी जूते, सारे नंबर थे वहाँ पे, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, बस 8 नंबर ही नहीं था जूते का। है मम्मा का फोन आ रहा है। हेलो नमस्ते मम्मा जी, आज मैं वॉकर नहीं गया, अभी मैं वहाँ आया हूँ डी मार्ट, मैंने आज खाना भी नहीं खाया, अब जाके लेट हो जाऊँगी, फिर खाना खा भी नहीं पाऊँगी। शिट, खाना खा के नहीं आई मैं, बना के आई हूँ, रोटियाँ जाके बनाऊँगी। गलती कर दी आज मैंने, भूल गई ना दिमाग से एकदम से, उन्होंने जल्दी जल्दी कर दिया, कोई प्लान ही नहीं था आने का, एकदम ही आ गई। चलो ठीक है फिर बात करती हूँ मैं घर जाके। जो सामान हमें चाहिए था ऑलमोस्ट हमने सारा ले ही लिया है, और अभी वो कह रहे हैं कि फटाफट से बिलिंग करवा लो, 10 बजने वाले हैं, थोड़ा ही मजा। 9:47 हो गए। दिल मांग रहे हो।
खराब होगी तो फिर कैसे करेंगे भाई, चार साल तो सर्विस सेंटर से होगी, चालू करके अभी तो चालू करके चालू करके शटर डाउन हो गया, डिमांड बंद हो गया। चलो जी चलो, वाह क्या बात है, ये नज़ारा मैंने पहली बार देखा है, सब बंद हो चुका है। पूरे 10 बजे बाहर निकले हैं, हमने अपने समय का पूरा पूरा उपयोग किया है और जो सामान हमें चाहिए था, जो ज़रूरी था, वो सभी सामान हमने लिया है। आधे से ज़्यादा पार्किंग भी खाली हो चुकी है अभी, अभी थोड़ी देर में स्कूटी और कम होने वाली है। आज हमारे टोकरे में सामान कितना कम लग रहा है, लेकिन सभी आइटम्स ही महंगी वाली हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्रेश भी ली है, देसी घी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। थैला हम पिछली बार की तरह घर से लेके आए हैं, नहीं तो ये 18 पता नहीं 20 रुपये का एक थैला लगाते हैं, तो हमने थैले के पैसे बचा लिए। कंग्रेचुलेशन, हल्की हल्की आइटम स्कूटी के अंदर इसकी जा रही हैं। अच्छा जो चीज़ कह रहे हैं जिनका डर है कि फट सकते हैं, वो आइटम रखी जा रहे हैं। भारी सामान सारे खा लेना होगा। ओह माय गॉड शिट, मसूर की दाल सारी बिखर गई, हमारी साबुत मसूर हैं, फट गई बन्नी। अभी आते आते मदर डेयरी की लस्सी ली है मैंने, मैंगो फ्लेवर वाली, पता नहीं कैसी, फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। और जोशी जी अपनी चॉकलेट खा रहे हैं, कौन सी चॉकलेट है इनकी फेवरेट वाली है, क्या नाम है उसका, मिल्की वार, इनको बहुत अच्छी लगती है मिल्की वार। आज लेस कुरकुरे चीज सब में कुछ भी नहीं लिए, उसकी जगह ड्राई फ्रूट आ गए। आज पहली बार हम इतनी लेट ऐसे इस तरीके से आए हैं ना, जो तो हम ऑलमोस्ट टाइम पे ही आते हैं, बिल्कुल पूरे पूरे टाइम का। ये देखना, खोलने को दिया था आपको पीने के लिए, क्या क्या सारा ड्रेस मैंने अपने हाथ से उठाया था इसको, इसे इसका ड्रेस आ रहा है। बाय बाय डीमार्ट। चंदा मामा दूर के कुए पकाए घूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। ये क्या भाई इतना बड़ा, राशन की शॉपिंग करके फाइनली अभी हम घर वापस पहुंच चुके हैं। रात के तकरीबन 10:35 हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गए घर आते आते, और थैला खाली कर लिया अभी मैंने पूरा राशन, यहाँ फैला पारा बेड के ऊपर। और ये इतना सा राशन जो है ये 6 से 6,500 के बीच में भी आया है, बिल एग्जैक्ट क्या है वो जोशी जी आकर बताएंगे। सामान संभाल लेते हैं फटाफट से। जोशी जी नहाकर आ चुके हैं अभी, और आज पहली बार ये टेबल यूज़ किया जा रहा है, अलमारी ड्रेसिंग टेबल। आप लोगों के काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी कौन सी चार चीज़ें ली हैं आपने घर की, एक अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, कि छोटे वाला टेबल है, लैपटॉप का काम वगैरह इस पर रख के आराम से कर लेंगे, बाकी हमने सोचा बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो केक कटिंग के लिए भी वाला टेबल सही है, और इसके साथ ही ऊपर एक स्टैंड लेकर आए हैं कपड़े सुखाने वाला। तो ये चार चीज़ें हमने उस दिन ली थी, आज ये पहली बार यूज़ हो रहा है। जोशी जी कैसा लग रहा है आपको, कम्फर्टेबल है? स्पाइसी मैगी नाम है इस मैगी का। अब जोशी जी खाकर बताएंगे कितनी स्पाइसी है कितनी नहीं है। कैसी है स्पाइसी मैगी, क्या ये सच में स्पाइसी है? क्या कहना चाहेंगे, स्पाइसी नहीं है, सिंपल है। मसाला मैगी डाल दो। क्या डाल दूं? मसाला मैगी डाल दो।
जोशी जी ने तो इसके ऊपर से भी मैगी मसाला डलवा दिया। इनको मसाला लग ही नहीं रहा इसमें। यहाँ पर भी गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार की जा रही हैं। कहीं से बाहर से आना फिर घर आके मन नहीं करता काम करने का, इसलिए मैं ऑलरेडी सब कुछ तैयार करके गई थी। वैसे ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि मैं आज डी मार्ट जाना है। अचानक से ही जोशी जी टाइम पे आ गए, मैंने कहा चलो उस मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। आज तो मैं टाइम पे खाना बना लेती हूँ क्योंकि मैं खाना टाइम पे खाती हूँ, वो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही है। बस 8 बजे से पहले या 9 बजे से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना खा लूँ करके, फिर जब भी आता है अगर मैं उस समय खाना बना देती हूँ। जैसे रोटियाँ बनानी रह रही हैं, वैसे मैं डेली घंटा वो करती हूँ, तब मुझे इतनी थकावट नहीं होती। कहीं भी बाहर चला जाओ ना तो कभी कभी ओवर थकावट से हो जाती है, लातों में दर्द, कमर में दर्द। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या बताना ज़रा कमेंट करके? मेरे को बड़ी ऐसी फीलिंग आती है थकावट से वाली, कहीं भी बाहर चले जाओ। यहाँ पर अभी डिनर किया जा रहा है और लैपटॉप पे फिल्म देख रहे हैं। कौन सी फिल्म देख रहे हो बच्चों? क्रांतिवीर पुरानी फिल्म है। खाना खाने के बाद अभी मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं, रसोई की भी साफ सफाई कर दी है। रात के 12 बजने वाले हैं गुच्चू, सोते हैं फिर। 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, इतना टाइम हो गया। और आज ये भी पहली बार हुआ है कि हम लोग डी मार्ट गए लेकिन कुछ खा कर नहीं आए, नहीं तो हर बार ही कुछ ना कुछ खा कर आते हैं हम लोग वहाँ से। मैंने नहीं खाना था इसलिए जोशी जी ने भी नहीं खाया। मैं तो उनको बोल रही थी बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी खाने की, लेकिन ये कह रहे नहीं मैं भी नहीं खा रहा। फिर अकेले इनको पता नहीं ऐसा शायद लगा होगा कि मैं अकेला खाऊंगा तो इसको अच्छा ना लगे, मैंने तो लेकिन बोला था खा लो। और मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया, जो बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हो जाती तो स्कूटी पे बहुत दिक्कत हो जाती हमें, तो अच्छा हुआ सब कुछ। मतलब जो चीज़ें अचानक होती है ना, कई बार होता है चीज़ें हम प्लान करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। जो चीज़ें अचानक से होती हैं वो हमेशा एकदम परफेक्ट होती हैं। जाए राशन आ गया टाइम पर, सब कुछ सही हो गया। और ये पुरानी फिल्म कुछ ने लगा रखी है, ये फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। कहते हैं ना ओल्ड गोल्ड होता है करके, वही वाली बात है। बड़ी प्यारी स्टोरी है, बड़ा मज़ा आ रहा है, पूरी देखकर ही सोएंगे हम लोग। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा आज का लोग ज़रूर बताएगा कमेंट्स करके, हमारी शॉपिंग कैसी लगी। और घर का ज़रूरी सामान था, हर कोई अपने घर का राशन लेकर आता ही है। चलो हम भी गए तो आउटिंग आपको भी दिखा दी, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएगा कमेंट्स करके। सजेस्ट कीजिएगा आगे अगर कुछ खास आप देखना चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक किस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में किसी टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए और देखते रहिए कुच्चू की मुच्चू का चैनल।